हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर केस, सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के 11 ठिकानों पर छापेमारी, सीबीआई ने घर और दफ्तरों पर मारे छापे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच की मांग, अनिल शास्त्री ने उठाई मांग। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत ताशकंद समझौते की ठीक बात हुई थी, शास्त्री जी की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी, जिन्हें लेकर हमेशा चर्चा में रही है उनकी मृत्यु। बीजेपी के सांसद आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी पर उठाए गंभीर सवाल, आरा से सांसद आरके सिंह ने कहा बिहार में बीजेपी ने अपराधियों और रिश्तेदारों को टिकट बांटे। टिकट बंटवारे में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आरके सिंह ने कहा कि उन्होंने इसे रोकने के लिए बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को फोन किया, लेकिन सुशील कुमार मोदी ने फोन रिसीव ही नहीं किया। आरके सिंह के आरोप को बीजेपी ने किया खारिज, नलिन कोहली ने कहा ये बीजेपी सांसद के निजी विचार हैं, टिकट का फैसला केंद्रीय कमेटी लेती है जो कई स्तर पर समीक्षा के बाद तय करती है किसे टिकट दिया जाए। दिल्ली में डेंगू से मरने वालों का आंकड़ा 32 पहुंचा, कल 9 साल की एक मासूम की हुई मौत। केजरीवाल ने फिर साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना, ट्वीट कर लिखा एलजी अच्छे इंसान लेकिन उनके आका खराब, सिर्फ एलजी को बदलने से नहीं होगा दिल्ली का भला, पीएमओ बंद करे अपना दखल। यूपी के मिर्जापुर में चुल्हा गांव के पूर्व प्रधान झन्नू निषाद का शव मिलने से भड़के परिजन। हरियाणा के जींद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में लगे ठुमके। दीनदयाल जयंती पर डांस और ठुमकों के बीच बेकाबू हुए दर्शक, पुलिस को करना पड़ा हल्का बल प्रयोग। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में सीएमओ दफ्तर में घुसे दो चोर, लेकिन करंट लगने से एक हुआ बेहोश, दूसरा हुआ फरार। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर, गाड़ियों की चेकिंग कर रहे कांस्टेबल को तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने मारी टक्कर। गोविंद बंसारे मर्डर केस में कोल्हापुर पुलिस ने आरोपी समीर गायकवाड़ को किया अदालत में पेश, आज खत्म हो रही है उसकी रिमांड। दिल्ली में बवाना में बंद गाड़ी में मिली है पुलिस कांस्टेबल की लाश, हत्या के बाद लाश कार में रखकर सड़क किनारे छोड़ दी गई थी। कार में मिली लाश संदीप नाम के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, कंझावल का रहने वाला था संदीप। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की वेबसाइट www.amitshah.co.in दिल्ली में लॉन्च, अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी महासचिव रामलाल ने लॉन्च की। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के घर पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली, डालमिया के निधन के बाद शोक सभा में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बोले भारत में जड़ें जमाने का आईएसआईएस का मंसूबा होगा नाकाम। पटना के बीजेपी दफ्तर में टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं का बवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाए जाने के दौरान हंगामा। पक्की नौकरी की मांग को लेकर भोपाल में अस्थायी शिक्षकों का प्रदर्शन, करीब 1000 टीचर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे लोगों के परिवार वालों का हंगामा, लाश के साथ किया हंगामा। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर मधेशियों का प्रदर्शन, नेपाल के नए संविधान पर उठाए सवाल। बीरगंज में भी मधेशियों का प्रदर्शन, नए संविधान को लेकर नाराजगी। वाराणसी में संतों पर लाठीचार्ज के विरोध में वीएचपी बजरंग दल का प्रदर्शन, प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। वाराणसी में लाठीचार्ज से नाराज साधु संतों की धमकी, बोले नदी विसर्जन से रोका गया तो नहीं करेंगे दुर्गा पूजा सवाल, कहा शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। मध्य प्रदेश में इंदौर की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का विवादित बयान, कहा गरबा पंडालों में मुसलमानों को नहीं मिलनी चाहिए एंट्री। कमेटी के संरक्षक पद से जेपी अग्रवाल का इस्तीफा, पीएम को बुलाने का किया था विरोध। मुंबई कांग्रेस प्रमुख संजय निरुपम ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर तीखी टिप्पणी की, बोले नए प्रदेश अध्यक्षों के काम में सहयोग दें बुजुर्ग नेता।
राजस्थान के खनन घोटाले को लेकर कांग्रेस का वसुंधरा सरकार पर हमला, कहा बिना नीलामी के दिए गए खदान, मुख्यमंत्री का मांगा इस्तीफा। कांग्रेस के आरोप को बीजेपी ने किया खारिज, कहा जनता ने वसुंधरा को 5 सालों के विलय बनाया है मुख्यमंत्री। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार से दाखिल सवाल पूछा, 15% से घटकर 8% कैसे हो गई विकास दर। मुलायम सिंह यादव की पोते तेज प्रताप यादव ने किया बिहार में समाजवादी पार्टी की जीत का दावा, बोले पार्टी कहेगी तो करूंगा प्रचार। नई योजना की शुरुआत, 1 रुपए में मिलेगा 1 किलो चावल, मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन का आयोजन, गृह मंत्री वित्त मंत्री समेत बीजेपी के आला नेताओं ने की शिरकत। आज तक से बातचीत में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का दावा, सत्ता में आई एनडीए तो कोई पिछले वर्ग का नेता ही बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। जयपुर में अखिल भारतीय युवा महासभा का आयोजन, यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की शिरकत। दिल्ली में डीएम की पिटाई को लेकर बीजेपी सांसद उदित राज का एलजी पर हमला, बोले सुपर किंग हो गए हैं उपराज्यपाल। डीएम की पिटाई के मामले में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा, उप मुख्यमंत्री ने की माफिया के खिलाफ काम करने वाले अफसरों को गिरफ्तार करने की मांग। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने छोटे उद्यमियों को बांटे कर्ज, मुद्रा योजना के तहत इस साल 1,22,00,00,000 रुपए कर्ज देने का लक्ष्य। गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष पैकेज का ऐलान, सरकारी नौकरियों में 5 साल बढ़ाई गई उम्र सीमा। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहे हैं सोमनाथ भारती, पुलिस का दावा मोबाइल सिम का अलग अलग इस्तेमाल। नगर निगम चुनाव से पहले टीएमसी से निलंबित किए गए आसनसोल के 6 नेता, पार्टी विरोधी गतिविधियों में कार्रवाई। राजस्थान के पाली में दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, लेकिन सामने आई बद इंतजामी की तस्वीर। फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने अपने घर में डेंगू लार्वा पाए जाने की खबर पर जताई हैरानी, कहा बीएमसी के निर्देशों का करती हूं पालन। दिल्ली में भी डेंगू से एक और मौत, 15 दिन से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा था इस शख्स का इलाज। मुंबई के केईएम अस्पताल के डॉक्टर से मारपीट, परिजनों का आरोप, डेंगू की शिकार बच्चे को आईसीयू में नहीं मिला बेड। डेंगू को लेकर ममता के मंत्री का केजरीवाल सरकार पर आरोप, फरहाद हकीम बोले दिल्ली से बंगाल पहुंचा है डेंगू। दिल्ली के डेंगू फंड के खर्च की जांच करेगा सीएजी, डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार तीनों निगमों के ऑडिट के खर्च का ऑडिट होगा। कर्नाटक के गुलबर्गा में लेखकों कॉलेज की छात्रों का बवाल, कुलबर्गी मर्डर केस को लेकर नाराज। कुलबर्गी केस में बकरीद के नमाज के बाद अनंतनाग में प्रदर्शन और हिंसा, लोगों ने पुलिस पर चलाए पत्थर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 5 घायल। विशाखापट्टनम में नाले में गिरी 6 साल की बच्ची, कार में चढ़ते वक्त हुआ हादसा। यूपी के मुगलसराय में सामने आया किसी दूसरे के बैंक अकाउंट से रेलवे टिकट बुक कराने का मामला, देवरिया के एक शख्स के खाते से बुक कराया किसी ने टिकट। भोपाल में शादी का झांसा देकर एक लड़की से बलात्कार, आरोपी जिम ट्रेनर है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों को बम सप्लाई करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 7 क्विंटल विस्फोटक समेत 7 सप्लायर गिरफ्तार। मुंबई में गिरगांव की गणेश कृपा बिल्डिंग में हादसा, लिफ्ट गिरने से 2 की मौत। यूपी के रामपुर में फर्जी अधिकारी बनकर रुपए ऐंठने वाली महिला गिरफ्तार, लोगों की मदद से पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली में फर्जी ईमेल भेजकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 लोग गिरफ्तार, 70 ATM कार्ड भी बरामद। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, पंचायत की मौजूदगी में लड़की वालों ने नाबालिग प्रेमी की हत्या की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्राओं के साथ अश्लील बातें करने का आरोप। रायपुर में ट्रक से टकराई कार, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे 3 छात्रों की मौत, 2 घायल। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर में 4 साल की बच्ची से बलात्कार, नाबालिग पर आरोप। मनचलों के खिलाफ गुड़गांव पुलिस ने चलाया ऑपरेशन रोमियो, छेड़छाड़ के आरोप में 14 गिरफ्तार।
झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई, दो गिरफ्तार, 25 किलो के 3 बम बरामद। जिम कॉर्बेट के करीब बढ़ रहा है बाघों का आतंक, एक महिला को किया जख्मी। राजस्थान के सिरोही में सड़क हादसा, बस टेम्पो की टक्कर में 6 की मौत, 32 घायल। यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, 3 की मौत, 3 घायल। इलाहाबाद में पतंग के मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत, तो युवक के साथ जा रही लड़की भी घायल। पंजाब के गुरदासपुर में बच्ची का भ्रूण मिलने से सनसनी, आरोपियों को ढूंढने में जुटी पुलिस। गणपति विसर्जन के दौरान शख्स की हत्या, कैमरे में कैद वारदात। यूपी के फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर दो युवकों ने महिला को मारी गोली, प्रेम प्रसंग का शक। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में देसी बम फटने से 3 की मौत, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। सोने की तस्करी के आरोप में जेट एयरवेज का कर्मचारी गिरफ्तार, मुंबई एयरपोर्ट पर 27 लाख का सोना बरामद। केरल के नन मर्डर केस में उत्तराखंड पुलिस को कामयाबी, हरिद्वार से गिरफ्तार हुआ एक शख्स। दिल्ली से सटे नोएडा में ढाबे पर काम करने वाला गिरफ्तार, 2 दिन पहले ग्राहक की हत्या की थी। पठानकोट में रेलवे ट्रैक पर बम की अफवाह फैलाने वाला गिरफ्तार, इलाहाबाद का रहने वाला है शख्स। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में दोस्त ने बिल्डर को मारी गोली, आपसी झगड़े में गोली चला दी। मसूरी के करीब सड़क हादसे में खत्म हुआ पूरा परिवार, लेकिन 8 महीने की मासूम बची। दरभंगा के डीएमसीएच में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत, अस्पताल कर्मचारी पर आरोप। आसाराम के सूरत आश्रम पर 17 करोड़ का जुर्माना, अवैध जमीन कब्जाने के आरोप में प्रशासन ने भेजा नोटिस। दिल्ली में उत्तरी एमसीडी ने शुरू किया स्पेशल स्वच्छता अभियान, सभी सड़कों, स्कूलों, पार्कों में 11 अक्टूबर तक मुहिम। बिजली बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल की पहल, रेलवे फाटकों पर लगवाए जाएंगे सोलर एनर्जी पैनल।